दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए आप कितनी हरियाली है यहाँ पर। और आज हम लोग निकले हुए हैं शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद आपको आज दिखाएंगे राधा रानी का महल और सारी चीज़ें दिखाते हुए आपको लेके चलेंगे बरसाने, पहले शनिदेव मंदिर फिर राधा रानी के महल के अंदर, और वहाँ से आपको सारे दर्शन कराएंगे। और देखते जाइए कितना सुंदर नज़ारा, और हमारे साथ चलते रहिए आप। मैं हूँ विक्रम का बेताल, सुरेंदर भोला, सुरेंदर भोला। नहीं, मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम। बोलो राधा रानी सरकार की जय। आज हम दिल्ली से वृंदावन के रूट पर हैं केवीके ब्लॉक्स के लिए, और रुके हैं असली पप्पू ढाबा पे। अभी पहले यहाँ चाय नाश्ते का आनंद लेंगे, फिर उसके बाद बरसाने में माता राधा रानी के दर्शन किए जाएंगे, बाकी बिहारी के दर्शन कराए जाएंगे, पप्पू के ढाबे का जायका। और अपने मित्र, हमारे एक मित्र और अंदर बैठे हुए हैं, उनसे मिलवाते हैं आप। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, वो जो मित्र है, अंदर भीड़ बहुत है, एक टेबल रोकने के लिए हमने स्पेशल बिठाया कि आप ऑर्डर देकर वहाँ पर रुको, क्योंकि हमें वहाँ जाकर आराम से बैठकर खाने का आनंद ले सकें असली पप्पू ढाबा में। चले ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था, हमने अपना एक आदमी खास, हमारे भाई कमल जी, टेबल को रोकने के लिए पराठे लेकर बैठे हैं कि हम अंदर आकर आराम से खाने ले सकें। हाँ, ये आलू के पराठा, शनि कुंड के पास, और शनि कुंड के पास आपको दिखाते हैं किस तरह के से लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं इतनी बार शनि मंदिर आ चुका हूँ, और मैंने आने के बाद फर्स्ट टाइम दर्शन किए हैं शनि कुंड के, जिसके अंदर ये लोग इतने श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। इस समय हम पहुँच गए हैं कोसी कला शनि मंदिर, ये स्नान कुंड है जिसमें लोग अपना स्नान करके अपने कष्टों को हटते हैं, और कुछ ही देर में हम शनि महाराज मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर स्नान करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, ऐसा मानना है जो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं उन लोगों का। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत रश है यहाँ पर, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है अंदर का। पैर रखने की जगह नहीं है इस वक्त, बहुत कैसे लोग तेल चढ़ा रहे हैं शनिदेव जी को, बहुत अच्छा नज़ारा है देखिए। और अभी आपको बजरंगबली के भी दर्शन कराएंगे, चलते जाइए देखिए, बहुत रश है, रश के अंदर देखिए आप। ये आ गए हैं हमारे, हनुमान जी का मंदिर भी आ गए, ये रहे हनुमान जी, बोलो ये वीर बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर शनि मंदिर के बिल्कुल साथ ही ये राधा कृष्ण जी के बहुत खूबसूरत मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, और इसके दर्शन बहुत अलौकिक हैं, जो शनि देव मंदिर के अंदर ही हैं, एक दूसरा टेंपल बना हुआ वहाँ पर है, ये भी बहुत सुंदर है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने शनिदेव महाराज जी के, और आज 2 अक्टूबर है तो रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने, आपको दिखाएंगे शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज जी के दर्शन कर आ चुके हैं हम, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा। इस बार मेला लगा हुआ है शनिदेव जी के यहाँ,
और बहुत अच्छा लग रहा है आकर। आप लोगों ने भी हमारे साथ दर्शन किए, कैसे लगे आपको दर्शन ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।